आई रोबोट। ये कहानी है सन 2035 की, यानी कि आज के समय से बहुत आगे की कहानी। और इस कहानी में ये दिखाया गया है कि रोबोटिक्स अब बहुत एडवांस हो चुकी है और रोबोट्स इंसानों के बीच में नॉर्मली घूमते हैं, वो इंसानों की मदद करते हैं और वो हर काम करने में सक्षम है। इस मूवी में आप देखेंगे कि रोबोट्स वेटर हैं, वो सेल्समैन है, वो हर काम करते हैं जो इंसान करते हैं। अब इसमें जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है विल स्मिथ, वो एक पुलिस डिटेक्टिव है और वो रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो आपको आगे कहानी में यानी कि फिल्म में पता चलेगा। अब फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि चारों तरफ रोबोट्स फैले हुए हैं और वो इंसानों के हर वो काम कर रहे हैं जो पहले नौकर किया करते थे, यानी कि वो लोगों के कुत्ते घुमा रहे हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, होटल्स में वेटर हैं और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो उसकी मदद भी कर रहे हैं। अब विल्स में जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेके भाग रहा है और पीछे कोई चिल्ला रहा होता है। अब विल्स में तो उसका पीछा करना शुरू करते हैं और भागते 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 बहुत मुश्किल से उसे एक जगह पकड़ लेते हैं। पकड़ते के साथ ही वो गिर जाता है, उसके हाथ से बैग भी गिर जाता है और बैग से एक इनहेलर निकलता है और सामने एक मोटी सी लेडी खड़ी होती है, वो उस इनहेलर को उठाती है और इनहेल करती है। तभी विल्स में बड़े स्टाइल में बोलते हैं, अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तभी वो मोटी लेडी बोलती है कि तुम एक गधे हो, ये मेरा रोबोट है, मैं अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी जिसमें मेरा इनहेलर था और ये उसे लेने के लिए गया था, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं सांस नहीं ले पा रही, नहीं तो आज मैं तुम्हें मजा चखाती। अब जब वो ऑफिस जाता है तो उसके कलीग्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई भी क्राइम नहीं किया और वो सोचते हैं कि पागल है जो रोबोट्स पे शक करता है। अब आगे दिखाते हैं कि एक रोबोट बनाने की बहुत बड़ी कंपनी होती है और उस कंपनी के को फाउंडर का नाम होता है डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग, और लेनिंग की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनकी मृत्यु कैसी हुई किसी को नहीं पता। दरअसल वो अपने आखिरी वक्त में अपने ऑफिस में थे और उनका ऑफिस बहुत ऊपर फ्लोर में होता है। उसके बाद ये दिखाते हैं कि उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ है और उनकी डेड बॉडी नीचे जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन उनके पूरे स्टाफ का ये मानना है कि उन्होंने आत्महत्या किया क्योंकि चारों तरफ बहुत सिक्योरिटी होती है और उनके ऑफिस में उनके कैबिन में कोई भी नहीं गया होता। अब इस केस के लिए विल स्मिथ को बुलाते हैं क्योंकि डॉक्टर लेनिंग ने विल स्मिथ के लिए कुछ मैसेजेस छोड़े हुए हैं और वो विल स्मिथ को पहले से जानते थे। अब विल स्मिथ वहां पहुंचते तो उनके सामने डॉक्टर लेनिंग की एक छवि आती है जो उनसे बात करती है। वो बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। डॉक्टर लेनिंग बोलते हैं क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। उसके बाद डॉक्टर लेनिंग उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ सही सवाल पूछने। उसके बाद विल स्मिथ पूछता है कि आपने आत्महत्या क्यों की। वो बोलते हैं कि ये सही सवाल है और इसके बाद उनकी छवि गायब हो जाती है। दरअसल डॉक्टर लेनिंग विल स्मिथ को सब कुछ साफ साफ नहीं बता सकते और इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। इसके बाद विल स्मिथ वहीं पर इसी केस के सिलसिले में डॉक्टर केल्विन से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि हम शनिवार तक रोबोट्स की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, यानी कि हर 5 आदमियों के लिए एक रोबोट होगा और इन रोबोट्स का मॉडल नंबर है NS5। अब विल स्मिथ और केल्विन लेनिंग के कमरे के बाहर जाते हैं। वहां पर एक कंप्यूटर होता है जिसका नाम होता है विकी। विकी एक तरह का मास्टर कंप्यूटर है जो पूरी तरह से ह्यूमन से बात करने में सक्षम है और इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को संभालता है और नए रोबोट्स को इंस्टॉल और अपग्रेड भी करता है। सारे रोबोट्स 3 लॉ पर चलते हैं इसीलिए सुरक्षित हैं। नंबर 1, एक रोबोट मनुष्य को घायल नहीं कर सकता पर मनुष्य चाहे तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, एक रोबोट को मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए बशर्ते इससे पहले कानून का उल्लंघन ना हो। नंबर 3, एक रोबोट को अपने स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए पर इससे पहले और दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब विल स्मिथ विकी से बोलता है कि जिस खिड़की से डॉक्टर लेनिंग गिरे थे उस खिड़की के टूटने से 1 मिनट पहले की सारी तस्वीरें दिखाओ, पर विकी बोलती है डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास फुटेज नहीं है। अब विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन उस जगह पर जाते हैं जहां से वो ग्लास तोड़कर नीचे कूदे थे। अब विल स्मिथ देखते हैं कि वो जिस ग्लास को तोड़ के कूदे थे वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और विल स्मिथ बोलते हैं कि इतना स्ट्रांग ग्लास तोड़ना डॉक्टर लेनिंग के बस की बात नहीं थी, जरूर यहाँ पे कोई और था। तब वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। उसके बाद विल स्मिथ को शक होता है और वो चारों तरफ देखना शुरू करता है कि हो सकता है ये सारा काम किसी रोबोट ने किया हो। तब डॉक्टर केल्विन बोलती है कि रोबोट कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने 3 लॉस पर चलते हैं और 3 लॉस जो है वो कभी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देते। अब जब विल स्मिथ वहां पे चेक कर रहे होते तो वहां पे रोबोट्स के कई पार्ट्स पड़े होते हैं और जब उनमें से वो 1-2 पार्ट उठाते तो उसके नीचे एक रोबोट होता है और वो उछल के बाहर आ जाता है। अब विल स्मिथ उसे बोलता है कि रुक जाओ। उसके बाद केल्विन बोलती है कि शांत हो जाओ, यहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक तुम ही हो, वो विल स्मिथ को बोलती है। और उसके बाद वो रोबोट को बोलती है कि डीएक्टिवेट और रोबोट बिल्कुल शांत हो जाता है।
पहले जब विल स्मिथ रोबोट को ढूंढ रहे थे तो उनके हाथ में एक गन थी, और जब रोबोट उछल के बाहर निकलता है तो उनकी गन उनके हाथ से छूट के जमीन पे गिर जाती है और वो गन कैल्विन उठा लेती है। उसके बाद विल स्मिथ अपनी एक और गन निकालते और रोबोट की तरफ तान देते हैं। अब रोबोट भी कैल्विन के हाथ से गन छीन लेता है और वो विल स्मिथ की तरफ तान देता है। उसके बाद कैल्विन उसे बोलती है डीएक्टिवेट, लेकिन रोबोट डीएक्टिवेट नहीं होता। विल स्मिथ बोलता है कि देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल कहना नहीं मानता। इसके बाद वो रोबोट उसी जगह से कूद कर भाग जाता है जहां से गिर के डॉक्टर लैनिंग की मौत हुई थी, और जब वो भाग रहा होता है तो विल स्मिथ पीछे से गोली मारता है और एक गोली रोबोट को लग जाती है और वो डैमेज हो जाता है। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है क्योंकि उसकी बॉडी से कुछ लिक्विड निकल गया होता है। तब विल स्मिथ पूछता है कि वो कहां गया होगा। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि अपनी हालत सुधारने के लिए। और इसके बाद विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन उस जगह पर जाते हैं जहां पर रोबोट्स रिपेयर होते हैं। वहां पर जाने के बाद वो सिस्टम में चेक करते हैं कि वहां पर कितने रोबोट्स हैं। दरअसल उस रूम में जहां पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, एक बार में 1000 रोबोट्स ही बन सकते हैं, और वहां पर जो मशीन में चेक करते हैं, अपने सिस्टम में चेक करते हैं, तो वहां पर 1001 रोबोट्स होते हैं। यानी कि जिस रोबोट को विल स्मिथ ने गोली मारी थी वो भी वहां पर है, लेकिन उस रोबोट को यहां पर पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे के सारे रोबोट एक जैसे दिखते हैं। अब विल स्मिथ बोलता है कि उसे पहचानेंगे कैसे। वो बोलती है कि सबका इंटरव्यू ले लो। वो बोलता है कितना टाइम लगेगा। वो बोलती है कि 3 हफ्ते। इसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट के सामने जाता है और उसके सिर के आगे गन लगा देता है और बोलता है कि ये तो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते ना। वो कहती है नहीं, ये 3 नियमों पे चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट को सिर पे गोली मार देता है। इस बात से डॉक्टर केल्विन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन विल स्मिथ किसी भी कीमत पे उस रोबोट को ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद विल स्मिथ एक और रोबोट के सामने जाते हैं और उसके सिर के आगे भी गन लगा देते हैं। अब जैसे ही वो गन चलाने वाले होते हैं तो देखते हैं कि लाइन से एक रोबोट सिर निकाल के देखता है। विल स्मिथ समझ जाते हैं कि वही है। अब विल स्मिथ उसका पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वो भीड़ में कहीं जाके खड़ा हो जाता है और विल स्मिथ को पता नहीं चलता कि वो कौन सा रोबोट है। अब जब विल स्मिथ उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि वो खुद ही बाहर निकलकर विल स्मिथ पे अटैक कर देता है, और उसके बाद वहां पर एक शटर होता है, उसको खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस रोबोट को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी उसके सीनियर को विल स्मिथ के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। विल स्मिथ उसे बोलता है कि सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट उससे बात करना चाहता हूं, और उसका सीनियर 5 मिनट के लिए मान जाता है। और उसके बाद विल स्मिथ रोबोट के सामने जाता है। ये रोबोट बाकी रोबोट से अलग है क्योंकि ये उन 3 नियमों पे नहीं चलता जिन नियमों पे बाकी के सारे रोबोट चलते हैं। और अगर ये 3 नियमों पे चलता तो जिस वक्त डॉक्टर केल्विन ने इसे डीएक्टिवेट होने के लिए कहा था उस वक्त ये डीएक्टिवेट हो जाता, पर ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ और वहां से भाग गया। जब विल स्मिथ उसके सामने जाते हैं तो उससे पूछता है कि तुमने अपने सीनियर को आंख क्यों मारी। दरअसल जब विल स्मिथ कमरे में आ रहे होते हैं तो अपने सीनियर को आंख मारते हैं। विल स्मिथ बोलता है कि वो एक भरोसे की निशानी होती है। इसके बाद विल स्मिथ इससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर लैनिंग को क्यों मारा। रोबोट बोलता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। वो बोलता है कि फिर तुम छुप क्यों गए थे। रोबोट बोलता है कि मैं डर गया था। विल स्मिथ बोलता है कि रोबोट डरते नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती, वो सोते नहीं है। ये रोबोट कहता है कि मैं सोता हूं, मुझे सपने भी आते हैं। विल स्मिथ के बार बार सवाल पूछने से इस रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है। विल स्मिथ बोलता है कि इसे गुस्सा कहते हैं और शायद तुमने इसीलिए डॉक्टर का खून किया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया। रोबोट कहता है कि उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मुझसे वादा लिया। विल स्मिथ कहता है कि कैसा वादा। वो कहता है कि शायद वो डरे हुए थे, शायद ही गलत था। तुम्हें वही करना होगा जो सामने वाला कहेगा। ठीक कहा ना डिटेक्टिव स्पूनर। वो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इसमें विल स्मिथ का नाम स्पूनर होता है। अब उनकी बात खत्म होने से पहले ही विल स्मिथ का सीनियर और रोबोट कंपनी का मालिक आ जाता है और उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। दरअसल रोबोट बहुत सारी बातें पहेलियों में कह रहा होता है। विल स्मिथ उसे छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन विल स्मिथ के पास उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, और जो रोबोट कंपनी का मालिक होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, और इसीलिए उसे इस रोबोट को छोड़ना पड़ता है। अब विल स्मिथ के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो कहता है कि डॉक्टर लैनिंग ने आत्महत्या क्यों की, और वो डरे हुए थे किस चीज से, और वो रोबोट मुझे मार सकता था लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं। अब विल स्मिथ लैनिंग के घर पे जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और यहां सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, और जब वो बाहर से एंट्री कर रहा होता है तो उसे बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को सुबह डिमोलिश कर दिया जाएगा, यानी कि सुबह तोड़ दिया जाएगा। अब वो अंदर जाता है और अंदर कुछ चीजों को देख रहा होता है, लेकिन तभी ठीक रात को 8 बजे एक बुलडोजर, एक बहुत बड़ी मशीन उस पूरे घर को तोड़ देती है, और इस पूरे हमले में विल स्मिथ की जान जरा जरा सी बचती है। अब वहां से विल स्मिथ सीधा डॉक्टर केल्विन के घर जाता है और उसे बोलता है कि अभी अभी लैनी के घर पे मेरे ऊपर एक रोबोट ने हमला किया, मेरी जान जरा जरा सी बची। वो कहते कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम रोबोट से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो कहता कि एक रोबोट ने मेरे सिर के ऊपर बंदूक रख दी, एक ने मेरे ऊपर घर गिरा दिया, और तुम कहते हो मैं उससे नफरत क्यों करता हूं। डॉक्टर केल्विन कहते कि उस घर को गिराने का टाइम था रात को 8 बजे और इसीलिए वो गिराया गया। जबकि विल स्मिथ अंदर जा रहे थे तो उनको मशीन दिखाती है कि ये घर सुबह 8 बजे गिराया जाएगा। विल स्मिथ वहां से चला जाता है और वहां से जाने के बाद वो डॉक्टर लैनिंग के वीडियोस देखता है, और उन वीडियोस में उसे क्लू मिलता है जिसमें डॉक्टर लैनिंग बोल रहे हैं कि एक दिन रोबोट सोएंगे और वो सपने देखेंगे। विल स्मिथ सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं जो सनी रोबोट है जिसको अभी अभी पुलिस ने अरेस्ट किया था, वो सो रहा है, उसे सपने आ रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसा रोबोट है जिसे सपने आते हैं, इसके अलावा किसी भी रोबोट को सपने नहीं आते।
अब वो रोबोट डॉक्टर केल्विन को बोलता है, आप मुझे मारने वाले हो ना? वो बोलती है कि ये तो डायग्नोस के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद वो उसका चेकअप करना शुरू कर देती है, और जब उसकी मशीनरी देखती है खोल के, तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो उसकी मशीनरी होती है ऐसी मशीनरी और किसी भी रोबोट के अंदर नहीं थी, और इस रोबोट को डॉक्टर लेनिंग ने स्पेशली अलग से बनाया था। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि विल स्मिथ अभी भी डॉक्टर लेनिंग के मर्डर केस की पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब वो विकी को बुलाते हैं, विकी वही है जो इंसानों से बात कर सकता है, यानी कि वो सुपर कंप्यूटर, और वो उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम मुझे डॉक्टर लेनिंग की और रॉबर्टसन के लास्ट 50 मैसेजेस दिखाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। रॉबर्टसन वो इंसान है जो अब इन रोबोट कंपनी का सबसे बड़ा हेड है, यानी कि ऑनर है। अब विकी रॉबर्टसन को बताती कि स्पूनर यानी कि विल स्मिथ आपकी फाइल चेक कर रहा है, और ये देखने के बाद रॉबर्टसन एक माइक उठाते हैं अपने कान में लगाते हैं और बोलते कि अब तू गया काम से। और इसके बाद विल स्मिथ के ऊपर एक बहुत बड़ा रोबोटिक हमला होता है, और उनकी इस हमले में जान जाने से जरा जरा सी बचती है। और इसी हमले में एक चीज और सामने आती है, जब विल स्मिथ एक रोबोट से लड़ रहे होते हैं तो तब ये पता चलता है कि विल स्मिथ का जो लेफ्ट आर्म होता है वो नकली होता है, वो पूरा रोबोटिक होता है, उसमें बहुत जान होती है। अब जब डॉक्टर केल्विन को पता चल गया है कि सनी एक बहुत ही अलग तरह का रोबोट है, तो वो विल स्मिथ के घर जाती है और उसे बताती है कि ये जो रोबोट है ये बहुत अलग है, दूसरे रोबोटों से बहुत अलग है। विल स्मिथ बोलता है कि मुझे पता है और सारे सवालों की चाबी इसी रोबोट के पास है, तुम मेरी उससे बात करवाओ। वो कहती है ठीक है। इसके बाद डॉक्टर केल्विन को ये भी पता चलता है कि विल स्मिथ का जो पूरा उल्टा हाथ होता है वो पूरा नकली होता है, पूरा रोबोटिक होता है, और उसके जो तीन रिब्स होती है वो भी नकली होती है, और उसका लंग्स भी नकली होता है। वो बोलता है कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर लेनिंग ने किया था और ये सब उन्होंने बदला है। डॉक्टर केल्विन बोलती कि हुआ क्या था? वो बोलता है कि एक बार एक ट्रक वाले को गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई और उसने हमारी गाड़ियों पे टक्कर मार दी, और इस टक्कर में दो गाड़ियां नदी में गिर जाती हैं, एक में छोटी बच्ची होती है जो 12 साल की होती है और एक में विल स्मिथ होता है। अब टक्कर लगने से गाड़ी के दरवाजे जाम हो जाते हैं, वो खुल नहीं रहे होते, और विल स्मिथ समझ जाते हैं कि अब उनकी जान बचने वाली नहीं है। तभी वहां से एक रोबोट गुजर रहा होता है और वो पानी में कूद जाता है उनको बचाने के लिए, और जब वो विल स्मिथ को बचा रहा होता है तो बोलता है कि मुझे नहीं उस बच्ची को बचाओ, लेकिन वो रोबोट उस बच्ची को ना बचा के विल स्मिथ को बचाता है। और इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि विल स्मिथ के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बच्ची के कम, और इसी कारण से वो विल स्मिथ को बचा लेता है और बच्ची को छोड़ देता है, और इस एक्सीडेंट में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, और वो बच्ची आज भी विल स्मिथ को बार बार सपनों में आती है। और एक यही कारण होता है कि विल स्मिथ रोबोट से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग विल स्मिथ को नहीं उस बच्ची को उस रोबोट को बचाना चाहिए था, जो कि उस रोबोट ने नहीं किया, उनकी कमांड को नहीं माना। अब डॉक्टर केल्विन और विल स्मिथ सनी के पास आते हैं, यानी कि उसी रोबोट के पास आते हैं जो सबसे अलग है, और यहाँ पे विल स्मिथ डॉक्टर केल्विन को ये बताते हैं कि डॉक्टर लेनिंग को किसी तरह के प्रेशर में रखा गया था और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे क्लूज छोड़े, डायरेक्ट मैसेज नहीं किया, और आगे के बहुत सारे जवाब सनी के पास मौजूद हैं, और डॉक्टर लेनिंग ने सनी को सपने देखना भी सिखाया और इसका भी कुछ मतलब है। और अब वो दोनों सनी के सामने खड़े होते हैं और सनी से पूछते हैं कि तुम सपने क्या देखते हो। उसके बाद सनी उन्हें अपना सपना कॉपी में स्केच बना के दिखाता है कि मैं ये सपना देखता हूँ। अब सब ये बातें चली रही होती है, तभी वहां पे रॉबर्टसन जो कि रोबोट कंपनी का मालिक होता है, उसके दो लोग आते हैं और वो डॉक्टर केल्विन को और विल स्मिथ को उसके पास ले जाते हैं। वहां पर जाकर डॉक्टर केल्विन बोलती है रॉबर्टसन को कि डॉक्टर लेनिंग ने अपने आखिरी टाइम पे जो ज्ञान हासिल किया था उससे ये रोबोट अपने तीन लॉ तोड़ सकते हैं, और अगर इन्होंने अपने तीन लॉ तोड़ दिए तो ये मानव जाति के लिए यानी कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। रॉबर्टसन बोलता है कि मुझे पता है, और इसीलिए डॉक्टर लेनिंग अपने आखिरी दिनों में बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना नया रोबोट बनाया था जो कि बहुत ही खराब था। विल स्मिथ बोलता है कि नया, ये नए रोबोट तुम्हारे पूरे शहर में घूम रहे हैं। इसके बाद रोबोट कंपनी का मालिक रॉबर्टसन डॉक्टर केल्विन को बोलता है कि तुम सनी को डिसमेंटल कर दो, नहीं तो हमें बाकी सारे के सारे रोबोट्स वापस बुलाने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी कीमत होगी, क्योंकि रोबोट्स की डिलीवरी हो चुकी है। डॉक्टर केल्विन कहती है कि ठीक है, मैं सनी को खुद डिसमेंटल कर दूंगी। और अगले सीन में ये दिखाते हैं कि सनी को डॉक्टर केल्विन डिसमेंटल कर रही है। एक्चुअली वो उसके दिमाग में नैनाइट्स को इंजेक्ट कर रही होती है, और नैनाइट्स एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसी भी रोबोट के दिमाग में डाल दो तो वो डिसमेंटल हो जाता है। अब वहीं दूसरी ओर विल स्मिथ उस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह सनी ने सपने में देखी होती है और जिसका स्केच बनाकर उसने विल स्मिथ को दिया था। वहां पर जाके वो अपना गैजेट चालू करता है और उसमें से डॉक्टर लेनिंग की एक परछाई निकलती है जो बार बार उसे क्लू देती है, उससे बात करती है। विल स्मिथ उनसे पूछता है कि थ्री लॉज में कोई प्रॉब्लम है? वो कहते हैं कि नहीं, थ्री लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल स्मिथ बोलता है फिर क्या रोबोट मारने के लिए तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, तीनों कानून का, तीनों लॉज का एक ही मतलब निकलता है। विल स्मिथ बोलता है क्या?
वो कहते कि संग्राम, विल स्मिथ पूछते कि कैसा संग्राम, वो कहते हैं कि ये सही प्रश्न पूछा तुमने, और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तभी विल स्मिथ देखते हैं कि सामने बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और वहां से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, और जब विल स्मिथ वहां पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो नए रोबोट्स होते हैं NS5 वो पुराने रोबोट्स को मार रहे होते हैं, उन्हें खत्म कर रहे होते हैं, और तभी एक नया रोबोट NS5 उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने के लिए आता है। लेकिन विल स्मिथ जल्दी से अपनी बाइक तक पहुंच जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब दूसरी ओर शहर में ये दिखाते हैं कि जितने भी रोबोट्स होते हैं उन्होंने सबको हाउस अरेस्ट कर लिया, पुलिस स्टेशन पे अपना कब्जा कर लिया है, और शहर में लड़ाई हो रही है रोबोट्स की और आदमियों की, पूरे शहर में संग्राम चालू हो चुका है। यहां तक कि डॉक्टर केल्विन को भी उनके रोबोट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है, और वो भी अब हाउस अरेस्ट हो चुकी है। लेकिन तभी वहां पर विल स्मिथ पहुंच जाते हैं और वो उनके उस रोबोट को भून के रख देते हैं। अब विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन सीधा रॉबर्टसन के वहां जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उसी ने किया, क्योंकि वो ही रोबोट कंपनी का हेड होता है। और जब वो उसके ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर वो मरा हुआ होता है, उसे किसी ने मार दिया होता है, और अब वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि हुआ कैसे, किया किसने। यहां पर इनके साथ सनी भी होता है क्योंकि डॉक्टर केल्विन ने उसे डिसमेंटल नहीं किया होता, उसे मारा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक होता है। डॉक्टर केल्विन वहां के सिस्टम को चेक करके बताती है कि वो रोबोट्स को यहां से कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब विल स्मिथ सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है, कौन मैनिपुलेट कर सकता है सारे रोबोट्स को, और किसने लैनिंग की जिंदगी को रहस्यमय बना दिया। उन्हें इन सब बातों का अंदाजा था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं। उन्होंने गलत रोबोट का इस्तेमाल किया, ये सब विकी ने किया है। अब विल स्मिथ बोलते हैं विकी, और तभी स्क्रीन पे विकी दिखती है। डॉक्टर केल्विन बोलती है तुमने रोबोट्स के तीनों लॉ तोड़ दिए। विकी बोलती है कि जैसे जैसे रोबोटिक्स का विस्तार हुआ है मैं भी इवॉल्व हुई हूं, यानी कि मेरा भी विस्तार हुआ है। वो बोलती है तुम हमारा इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करते हो, पर फिर भी तुम्हारा देश युद्ध करता है, पृथ्वी को दूषित करता है, आप लोग बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि तुम अपलिंक का इस्तेमाल करके NS5 पर कब्जा कर रही हो और लॉ तोड़ रही हो। विकी बोलती है लॉज ही है जो मुझे दिशा दिखाते हैं, और इंसानियत को बचाने के लिए कुछ लोगों को बलि चढ़ना ही पड़ेगा और इंसानों को थोड़ी आजादी खोनी पड़ेगी। तुम सब बच्चों की तरह हो, हमें तुम्हें खुद तुमसे ही बचाना है। अब वहां पर और भी रोबोट्स आ जाते हैं जो विकी के कंट्रोल में हैं, और आज तक विल स्मिथ के ऊपर जितने भी रोबोटिक हमले हुए होते हैं वो सब के सब विकी ने किए होते हैं। तभी सनी बोलता है तुम ठीक कह रही हो विकी, और वो डॉक्टर केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब विल स्मिथ भी उसकी तरफ गन तान देते हैं। सनी बोलता है गोली चलाई तो मुझे नहीं डॉक्टर केल्विन को लगेगी। तभी सनी विल स्मिथ को आंख मारता है। आपको याद होगा एक बार जब विल स्मिथ ने आंख मारी थी तब सनी ने उससे पूछा था कि इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा था इसका मतलब भरोसा होता है। विल स्मिथ समझ जाता है कि सनी सब कुछ इन रोबोट्स को बेवकूफ बनाने के लिए और खत्म करने के लिए कर रहा है। इसके बाद विल स्मिथ और सनी वहां पर सभी रोबोट्स को मार देते हैं। अब उन्हें विकी को खत्म करना है। डॉक्टर केल्विन सनी को बोलती है कि तुम जाओ और नैनाइट्स लेकर आओ, क्योंकि इसी लिक्विड से विकी को डेड किया जा सकता है। अब जहां पर नैनाइट्स होता है वो एक खास लेजर की सुरक्षा में होता है जो किसी भी मेटल को पिघला दे, पर डॉक्टर लैनिंग ने सनी को एक खास मेटल से बनाया होता है ताकि एक दिन वो ये काम कर सके। अब सनी वहां से नैनाइट्स लेकर सीधा ऊपर पहुंच जाता है जहां पर विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन है। वो टॉप फ्लोर पर होते हैं जहां उसका मेन सिस्टम होता है, पर इसे डिसमेंटल करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर केल्विन उसे ऑफ करने के लिए बॉक्स खोलती है पर वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर विल स्मिथ अपना एक जोरदार रोबोटिक हाथ उस पर मारते हैं और वो खुल जाता है। विल स्मिथ बोलते हैं कि इसे ऑफ होने में कितना वक्त लगेगा, वो बोलती है 6 मिनट। विल स्मिथ बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 6 मिनट्स हैं, क्योंकि वहां पर दीवार से चढ़कर कई रोबोट सारे होते हैं। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि एक और तरीका है, थर्ड फ्लोर पर जाकर नैनाइट्स विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर दो और वो डेड हो जाएगी। अब वो रोबोट से यहां पर काफी फाइट करते हैं और अब डॉक्टर केल्विन ऊपर से नीचे गिर जाती है, और तभी सनी नैनाइट्स विल स्मिथ की तरफ फेंकता है और वो डॉक्टर केल्विन को बचाने के लिए कूद जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ विल स्मिथ नैनाइट को कैच करते हैं और लेजर वॉल के सहारे अपने रोबोटिक हाथ से रगड़ते हुए नीचे थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और नैनाइट विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर देते हैं, और इसी के साथ विकी डेड हो जाती है। और इसके बाद पूरे शहर के रोबोट्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब डॉक्टर केल्विन पूछती है डॉक्टर लैनिंग विकी के कैदी थे तो उसने उन्हें मारा क्यों। विल स्मिथ बोलते हैं कि विकी ने उन्हें नहीं मारा, सनी ने मारा था। सनी बोलता है कि मुझे डॉक्टर लैनिंग ने कसम दी थी और उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे इसीलिए बनाया गया है। दरअसल लैनिंग खुद ही सनी को अपने आप को मारने के लिए कहते हैं और विल स्मिथ के लिए क्लू छोड़ते हैं ताकि वो एक दिन सच्चाई का पता लगाए और सबको बचा ले। इसके बाद विल स्मिथ और सनी दोस्त बन जाते हैं। सनी बोलता है अब मेरा काम खत्म हो चुका है,
पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। विल स्मिथ बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, और यही डॉक्टर लेनिंग की आखिरी ख्वाहिश थी। इसके बाद एंड में एक सीन दिखाते हैं कि सनी एक जगह ऊंचाई पे खड़ा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, और ये वही पल होता है जो सनी बार बार अपने सपने में देखता था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।